अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। इट्स मी सबा, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो हैक्स। आज मैं एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले हैं वो है बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट्स वाला बॉडी लोशन, ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। ये लोशन आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाएगा। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो ऑलमोस्ट आपके घर में मौजूद होंगे, शायद एक दो चीजें आपको बाय करनी पड़े। ये काफी बजट फ्रेंडली है और घर में आसानी से रेडी हो जाएगा और सेफ है यूज करने में भी। लेकिन इसके रिजल्ट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को इसको कंसिस्टेंसी से यूज करना पड़ेगा। 2 हफ्ते में ही आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलें टाइम जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एक क्लीन बाउल लेंगे, फिर उसमें हम लोग लोशन डाल लेंगे। काफ़ी सारा आप लोग इसमें लोशन डाल लें। फिर हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में हिलरोनिक एसिड होता है, जो आप लोग महंगे महंगे सीरम हिलरोनिक एसिड के बाय करते हैं वो इस आम सी चीज़ ग्लिसरीन में मौजूद होती है। ये आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करेगा, आपके फेस को हेल्दी रखेगा, और सर्दियाँ हैं तो ये आपके फेस पर मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा, क्योंकि सर्दियों में फेस पे इचिंग, ड्राइनेस, स्किन खींची खींची रहती है, तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसमें हम 1 चम्मच फुल भर के ग्लिसरीन का डाल देंगे, बड़ा चम्मच जो होता है वो वाला। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच आमंड ऑयल, 1/2 टीस्पून ले लेंगे या फिर 1/2 चम्मच ले गए। अगर आप लोगों की स्किन ज़्यादा ड्राई है तो 1/2 टीस्पून ले लें, अगर नहीं है ड्राई तो फिर आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग आलमंड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कोई भी डाल सकती हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 या 4 वाइटनिंग कैप्सूल। 3 कैप्सूल आप लोग इसमें वाइटनिंग के डाल दें। ये आप लोगों को आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। ये शायद 5 रुपये का एक मिल जाता है या फिर 7-8 रुपये का एक मिल जाता है। इसको आप लोग कट करके तो आप इसमें से वाइट सा निकलता है वो आप लोग इसमें डाल दें 3। तो इसके बाद बारी है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो हम इसमें डालेंगे वो है वाइटनिंग सीरम। वो हम इसमें ऐड करेंगे बायकोस का। आप लोग गोल्डन पर्ल का भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये आप लोगों को तकरीबन 100 रुपीज़ में सस्ता सा ही है, 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करेगा, टैन को रिमूव करेगा और ब्राइटनेस भी देगा। इसकी छोटी सी बोतल होती है, आप लोग इसका कैप उतार के तो इसकी सारी की सारी बोतल उसमें डाल दें। फिर आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि इसमें हमने जो जो भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सर्दियां हैं तो हर किसी की स्किन ड्राई होती है, चाहे आप लोगों की स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई हो, तो इसलिए आप लोग इसको जो हम मैंने वाइटनिंग सीरम बताया है, इसको आप लोग क्रीम में भी, किसी भी डे क्रीम में, फेयर एंड लवली या जो भी है उसमें भी आप लोग डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसमें मिक्स कर लें फिर वो लगा लें, या फिर आप लोग लोशन में डालना चाहते हैं तो लोशन में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये हमारे पास ब्राइटनिंग लोशन रेडी है। इसको आप लोग पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, हैंड, फीट, फेस पे, नेक पे। इसको आप लोग दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, 3 दफ़ा भी। स्पेशली रात को सोने से पहले तो इसको ज़रूर लगाना है, और फिर उसके बाद जब आप लोग सुबह उठते हैं तो तब फेस वॉश करके तब भी लगा लें। तो 1 हफ्ते में ही आप लोगों को ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ ब्राइटनिंग लोशन की रेमेडी शेयर की। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ग्लो हैक्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।